रानू मंडल को मिले हिमेश रेशमिया के सिंगिंग ऑफर के बाद खबर आने लगी कि सलमान खान ने उन्हें 55 लाख रुपीस का घर गिफ्ट किया। आपने भी ऐसा जरूर सुना होगा, लेकिन ये खबर सच नहीं है। हाँ, उन्हें घर मिला है, लेकिन ये सलमान खान ने नहीं दिया। इस बात का खुलासा रानू मंडल का वायरल वीडियो बनाने वाला अतिंद्र चक्रवर्ती ने किया है। रानू के सेलिब्रिटी बनने के बाद अब अतिंद्र उनके मैनेजर के तौर पर काम देख रहे हैं। अतिंद्र ने इस बात से इनकार किया है कि रानू को सलमान ने घर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घर मिला है जो उन्हें रानाघाट के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिया गया है। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वो दबंग 3 में गाना गाने वाली है। रिपोर्टर्स की माने तो रानू को अब बॉलीवुड ही नहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर आ रहे हैं। रिपोर्टर्स की माने तो उनके पास एआर रहमान के दफ्तर से भी कॉल आ चुका है और तो और रानू को लाइव परफॉर्मेंस के ऑफर भी आ रहे हैं। फिलहाल रानू इन सभी ऑफर्स पर फोकस कर रही है। बता दें कि रानू अपना गुजर बसर के लिए कभी हाट बाजार में तो कभी नदिया जिले के रानाघाट प्लेटफॉर्म पर गाना गाती रहती थी, लेकिन अब उनकी जिंदगी बहुत बदल चुकी है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर रानू का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है स्टेशन पर गाती हुई नजर आ रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लोगों ने रानू के लिए कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बॉलीवुड में सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने उन्हें पहला ब्रेक दिया। बॉलीवुड की ऐसी ही कुछ मजेदार खबरों के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले।